हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लीड शुरू कर रही हूँ। अभी हमारा डिनर का टाइम है। अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी, मिक्स वेज बिरयानी, जिसमें मैं डालूंगी सारी सब्जी, कटहल डालूंगी, कटहल डालूंगी मैं, और डालूंगी कैरेट, और डालूंगी मशरूम, और क्या था, मटर, यही सारी चीज़ें डालूंगी। और उसका बनाऊंगी मैं वेज पुलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो नॉन वेज नहीं पसंद करते हैं, तो मुझे वेज पुलाव ही बनाना पड़ेगा। तो उसमें मैं सब कुछ कर्ड वगैरह डाल के पहले फ्राई करूंगी। गार्लिक जिंजर पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, उसको मैं फ्राई कर लूंगी, सब कुछ सब्जी उसके साथ, गार्लिक जिंजर के साथ, दही भी डाल के सब कुछ करके, एंड देन उसको मैं दम दूंगी। तो मैंने सुना उसको मत करो, तो मैंने जो है राइस रख दिया है, और उसमें सारे हमें स्पाइसेस डाल सकते हो आप जस्ट फ्लेवर के लिए। तो मैंने राइस अलग से डाल दिया, उसको मैं हाफ कुक करूँगी, बस मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैं भूल जाती हूँ और कभी कभी ओवर कुक हो जाता है। तो मुझे हाफ बॉईल करना है, एंड देन उन दोनों को लेयर करके, सब्जी का पहले नीचे, फिर राइस का एक लेयर, राइस के ऊपर मुझे स्प्रिंग अनियन डालूंगी। और उसके बाद मैंने अनियन को भी गोल्डन ब्राउन बिल्कुल फ्राई करके रख लिया है, उसका एक लेयर डालूंगी, एक लेयर डालूंगी कोरिएंडर का, और फिर उसके ऊपर मैंने मतलब घी डालना है, फिर उसके ऊपर हमें वो डालना है, सब्जी डालना है, फिर उसके ऊपर हमें राइस डालना है। राइस के बाद फिर वही प्रोसेस रिपीट करूंगी। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि पूरा मैं शूट करूंगी, क्योंकि अगर पूरा शूट करने लगी तो ज़्यादा हो जाएगा, और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, बेल बजा बज रहा है, तो मैं खोल गेट। ओके गाइस, सो अब बना रही हूँ मैं अपना बिरयानी सबसे पहले, फिर मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर अनियन, सॉरी लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी डाउन कर देती हूँ फोकस। या यहाँ पर मैंने ले लिया है चॉप्ड अनियन, एंड यहाँ पर मैंने लिया है कोरिएंडर, जो कि मैंने बताया था डेकोरेशन के लिए लिया है, थोड़ा फ्लेवर के लिए भी। और ये मशरूम है, जिसका मैं मशरूम करी बनाऊंगी, और इसमें भी मैंने थोड़े बहुत 4-5 मशरूम डाल रखे हैं। इसमें कटहल है, आप देख सकते हो, कॉलीफ्लावर है, आलू भी है, कैरेट है, ग्रीन पीज है अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं सब्जी, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इनको, और एक्चुअली ये मैंने दोपहर में ही चॉपिंग करके रख लिया था, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। और यहाँ पर मैंने लिया स्प्रिंग अनियन, यहाँ पर मशरूम, और यहाँ पर देखिए मैंने फ्राइड अनियन लिया है, सॉरी, और यहाँ पर मैंने वॉश ग्रीन पीज लिया है, जो कि करी के लिए है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है अनियन, गार्लिक, जिंजर का पेस्ट। तो मेरा ये जो पैन है बिल्कुल, मैंने बड़ा सा कुकर लिया है, ताकि इसी में मैं दम दूँ। और यहाँ पर जो है मैंने राइस को मैंने हाफ कुक किया है, बट ये ऑलमोस्ट कुक ज़्यादा फिर भी हो गया है, बट पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा सब्जी को मैं ज़्यादा कुक करूँगी। तो ऑयल डाल देती हूँ, यहाँ पर ऑयल जो है मेरा दिन वाला है, तो एक्स्ट्रा बच गया था, तो उसी से मैं करूँगी अपना कुकिंग। तो मैं इसमें कर लेती हूँ अपने सारे सब्जी फ्राई, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा शूट कर। ओके गाइस, सो मेरा जो सब्जी है वो फ्राई हो रहा है इधर, और अब मैं इसमें सारे जो है मसाले डाल लूँगी। एक्चुअली बिरयानी मसाला नहीं मिला, मेरा ख़त्म हो चुका है, तो जो भी मसाले हैं वो डाल लूँगी। थोड़ा सा चिकन मसाला डाल सकते हैं इसमें हम अच्छे टेस्ट के लिए। तो ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, और इधर मेरा जो सब्जी है ग्रेवी वाला, मशरूम ग्रेवी, तो उसको भी मैं इधर कर रही हूँ। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ, सॉरी फॉर द लाइटिंग, और इसमें अब मैं डाल दूँगी मशरूम मटर, ताकि वो भी फ्राई हो जाए। तो अब मैं हम डालते हैं सारे स्पाइसेस। मैं यहाँ पर ले रही हूँ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा ले रही हूँ मैं रेड चिली, थोड़ा और ले लेती हूँ, थोड़ा स्पाइसी चलेगा आज। और मैं थोड़ा डाल रही हूँ इसमें मीट मसाला भी। एंड इसको हल्का सा मैं करूँगी फ्राई, उसके बाद मैं डाल दूँगी कर्ड, जो कि मैंने इतना लिया है, एक कटोरी है, तो इसको भी मैं डाल दूँगी।
तो मैं पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लूँ और फिर डालूंगी इसमें मैं। ओके गाइस, सो अब मैंने यहाँ पर गैस को थोड़ा कम कर दिया है इसका टेम्परेचर, क्योंकि मुझे बिल्कुल कम चाहिए। तो मैंने थोड़ा पानी डालकर इसको ठंडा कर दिया है, क्योंकि अभी मैं कर्ड डालूंगी। कर्ड डालते वक्त हमें बिल्कुल ये टेम्परेचर बिल्कुल लो चाहिए होता है, नहीं तो ये कर्ड हमारा जो है फट जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हमारा कर्ड, और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई करूंगी और इसी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, तो बेसिक मसाले डाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाले हैं। और इधर जो है मेरा सब्जी भी हो रहा है, ये लाइटिंग थोड़ी तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं, सारे मैंने मसाले डाल रखे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है, क्योंकि दोनों चीज़ में फिर ज़्यादा मसाले हो जाएंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई करके पानी डाल के इसको कुकर को बंद कर दूंगी मैं। तो अभी हल्का सा मैं फ्राई कर लूँ पहले, ताकि थोड़े से टमाटर गल जाए, और इसको हमें चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये। ओके गाइस, सो सब्जी जो है काफ़ी पानी छोड़ा है, क्योंकि मशरूम पानी छोड़ता है, और टमाटर भी मैंने चॉप करके डाला था तो उसने भी पानी छोड़ा है। तो अभी ऐसा कुछ लग रहा है, तो अब मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं पानी डाल देती हूँ, काफ़ी फ्राई हो चुका है ये। तो टमाटर मुझे ऐसे चॉप करके इसमें ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैंने चॉप करके डाला है। और ये कुकर में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है मशरूम, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर निकलता नहीं, कुकर में ही रह जाता है। तो कुकर में बनाना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इसमें टेस्टी लगता है और प्लस जल्दी बन जाता है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। एंड या मैंने सॉल्ट भी इसमें डाल रखा था, वो दिखाई नहीं मैं, बट डाल दिया मैंने सॉल्ट भी। तो पानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा और मुझे चाहिए बस। तो बहुत कम मैंने पानी लिया है, 1 गिलास से कम ही लिया है मैंने, और क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए ग्रेवी अभी। और इसको मैं ढककर छोड़ दूंगी एंड देन आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो सब्जी जो हमारा फ्राई हो चुका है और आधा कुक भी हो चुका है, क्योंकि हमें हाफ सब्जी को भी कुक करना होता है, राइस को भी कुक होना करना होता है, अदरवाइज सब्जी कच्चा रह जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल थोड़े मोटे मोटे थे। तो मैंने इसको ढक ढक कर पकाया था, तो इतना पक चुका है, और सॉल्ट भी इसमें मैंने डाल दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी राइस, लेयर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मैं। तो अब मैं लेयर कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी। हमें उसके बाद क्या करना है, सीटी निकाल देना है, ताकि ये मतलब जल ना जाए, और थोड़ा सा मुझे दम देना है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे मैं करती हूँ, देखो। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, तो पहले मैंने इतना कर दिया है, और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हमारा राइस, जो कि ये रहा, तो ये रहा राइस, तो मैं डाल देती हूँ। तो राइस भी मेरे हाफ कुक हो चुका है। तो इसमें से जो भी थे मैंने साबुत जो मसाले थे वो निकाले नहीं है, तो कि ताकि और भी अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाए। तो मैंने 1 लेयर डाल दिया है इसमें राइस का, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्प्रिंग अनियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो और अब 1 लेयर डालूंगी मैं इसमें धनिया पत्ता का, थोड़ा मैंने रफली छॉप किया है, कि धनिया पत्ता मुझे बारीक काटना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और 1 लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ज़रूर आप डालिए अगर आप ट्राई कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत इसको मैं हाथ से ही डाल दूँ, ताकि मुझे पता चल सके। और 1 लेयर मैं ऊपर से दिखलाऊंगी, और अब मैं हल्का सा घी डाल दूंगी इसमें, तभी इसमें हमारा जो है असली टेस्ट आएगा। बस तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत घी डाल देना हमें। तो 2 ड्रॉप डाल दिया, और उसके बाद लास्ट जो हमारा है, फिर से मैं सब्जी डाल देती हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें फैला के डालना है, और इसको मैं पूरा ऐसे फैला दूंगी इवेनली। ये बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। हाँ, और अब मैं डाल देती हूँ फिर से 1 लेयर राइस का, ध्यान रखना है कि घी में आंच पे बिल्कुल इसको दम देना है, क्योंकि
मैं हाथ से डाल लेती हूँ, तो इसको भी मैं फैला लूँगी और इवन कर लेंगे इसको भी। एंड अब हम डालेंगे इसमें स्प्रिंग अनियन दोबारा से। तो इसमें एक्चुअली मैंने पत्ता वाला ही हिस्सा ज़्यादा लिया है, और धनिया, एक्चुअली इसमें धनिया का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। देखिए मैंने कितना रफ़ी चॉप किया है, बहुत गंदा चॉप करती हूँ धनिया। और हमारा लास्ट डालेंगे, बहुत ही यम्मी लगता है ये डालना। एंड लास्ट हमारा जो है घी फिर से डालेंगे, लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल देती हूँ मैं। एंड गाइस इसको मैं अब ढक देती हूँ। मैं क्या करूँगी, सीटी निकाल कर, और सॉल्ट हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी में डाल दिया था, तो इसको अब मैं ढक देती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है किचन में, बन रहा है, सब्जी भी ऑलमोस्ट होने वाला है, और सुना नहीं सब्जी भी होने वाला है और मेरा बिरयानी भी होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बनाना, हेल्दी चीज़ें बनाना और अपने हस्बैंड को खिलाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। सो बस हो जाए उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, हमारा डिनर करेंगे। तो नीरव जो है अभी खेल रहा है पीछे, और देखिए क्या क्या, मतलब पूरा घर फैला देता है, सबसे मैंने इतने बार सब कुछ कर दिया है फिर वो फैला देता है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, और कितने लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आप हेयर स्टाइल करो हेयर स्टाइल, बट एक्चुअली दिन में नहीं हो पाता है टाइम, और जब टाइम मिलता है तो उस वक्त ये जो लाइटिंग है बहुत ज़्यादा गंदी आती है, तो हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से गाइस मैं हेयर स्टाइल का वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ। सो या नीरव अभी पीछे खेल रहा है, और नीरव को भी बिरयानी खिलाऊंगी, अगर वो खाता है तो स्पाइसी लगेगा तो वो नहीं खाएगा। ओके गाइस, तो अब मैं ढक्कन हटा लेती हूँ और देखती हूँ बिरयानी कैसा हुआ है। तो मैंने ट्राईपोड से नहीं आज शूट कर रही हूँ, इसलिए चेक करते हैं। ओ वाव, दिस इज सो नाइस, तो इस तरीके का लग रहा है। और मैं अब निकाल लेती हूँ इसको एक बाउल में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसको देखकर, तो मैं निकाल लेती हूँ इस बाउल में, इसको मैं कर लेती हूँ नीचे। सो इसको मैं थोड़ा लाइटिंग कम कर दूँ, कैमरे का बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, हाँ तो ये ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ निकाल लेती हूँ ताकि और भी अच्छा दिखे। सो इसके लिए वाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यम्मी, दिस लुक्स सो यम्मी। एक्चुअली इसमें मैंने कलर नहीं डाला, फूड कलर जो था वो मेरे पास अभी नहीं था, तो अदरवाइज़ ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता, बट इट्स ओके। ये कटहल थोड़े मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही डाले थे, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा छोटा कर देती तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता, तो बिरयानी में कुछ इस तरीके का ही होता है। तो वाओ, राजू मैं खाते हैं, तो मैं इतना इसी में रहने देती हूँ और इतना अभी खाते हैं। और सब्जी देखते हैं, सब्जी भी बन चुका है, और सब्जी जो है कुछ इस तरीके का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, बहुत कम डाला था, तो ये इसलिए थोड़ा तो ऑयली आपको नहीं दिख रहा होगा ज़्यादा, बट ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, तो उसको भी मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो सब्जी निकाल लेते हैं,
और इसको मैं खाऊंगी दही के साथ। मतलब मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगता है बिरयानी या फिर फ्राइड राइस दही के साथ, तो इसलिए वो खाएंगे। ओके गाइस, तो मैंने बिरयानी निकाल लिया है और ये बिना कलर बिना ऐड किए भी बहुत अच्छा कलर दिख रहा है। सो सब्जी भी इसमें मैंने ले लिया है। मैंने थोड़ा सा दही लिया है जो कि मेरे हस्बैंड खाएंगे, और थोड़ा बहुत प्याज इसके साथ अच्छा लगेगा। मैं निकाल लेती हूँ खाना और देती हूँ अपने हस्बैंड को और मैं खाऊंगी। एक्चुअली मैंने ये डिनर में बनाया है, मुझे ये लंच में बनाना था बट कल ही बनाना था, बट कल प्लान कैंसिल हो गया तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ। हाँ जी बेटा, और नीरा भी आ गया है तो। हाँ जी, हाँ जी बेटा, देखो इस लड़के को देखो, लुक एट दिस बॉय। बेटा नो, ये बहुत ज्यादा नॉटी बॉय है। तो थोड़ा सा इस पे गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं अनियन, और सब्जी ले लेती हूँ मैं इसी में कटोरी में। तो पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँ। एक्चुअली हम साथ ही साथ खाते हैं बट कभी कभी कुछ ऐसा बनता है तो अलग खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं, ये ऐसे ही खा रहे हैं। हाँ जी बेटा, गया ऐसा क्यों करते हो आप? तो ये ले चलते अपने हस्बैंड के लिए मैं, और उनको दूंगी, वो खाएंगे तो फिर बताएंगे कैसा था। चलो चलो डैडी के पास चलो। डैडी काम। और ये रहा डैडी का खाना, और मैं भी अपने लिए लेके आऊंगी। तो पहले डैडी खाएंगे फिर बताएंगे कैसा है। ओके गाइस, सो मेरे हस्बैंड मुझे बताएंगे कैसा है खाना। तो बहुत ही बढ़िया है, बेबी कैसा है खाना? बहुत बढ़िया है खाना। बस नमक सब कुछ? सब कुछ परफेक्ट है। गाइस मेरा स्टॉल। ओके गाइस, तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है बहुत अच्छा है, और अब मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है और स्पाइसी बिल्कुल नहीं ज्यादा मैंने बनाया, परफेक्ट है। नीरम भी खा सकता है और सब्जी भी बहुत ही यम्मी बना है। और इसमें कटहल अच्छा लग रहा है ना, फ्लेवर कटहल का, तो कटहल वाला भी बहुत टेस्टी लग रहा है फ्लेवर। और नीरव जो है वो खाने के लिए एक्साइटेड हो रहा है, इसको भी मैं दे रही हूँ, थोड़ा सा खाया वो। तो बस इस ब्लॉग को मैं गाइज यहीं पे करती हूँ एंड, और होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सोना रुक जाओ, खा लो। तो ये रहा मेरा, मैं खा रही हूँ, मैंने ज़्यादा बाउल में नहीं रखा, इस तरीके से ही खा लेती हूँ फटाफट से, और नीरव को ही खिला रही हूँ। और इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। होप आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल बटन को भी क्लिक करना है। सो या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।